दोस्तों आज आप लोगों को एक ऐसी प्रॉपर्टी बताने वाला हूं जो पूरे गुड़गांव के अंदर अगर आप ट्राई करोगे तो आपको नहीं मिलने वाली। यानी एक बिल्कुल अफोर्डेबल प्रॉपर्टी जो मिडिल क्लास के लिए है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो वीडियो को पूरा देखना है, सारे बेनिफिट आपको कवर करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि क्यों इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहिए, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, किन लोगों का, अगर किन्हीं लोगों के पास पैसा कम है और वो एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर आप एक रेंट पे भी रहते हैं तो भी ये प्रॉपर्टी बेनिफिट है, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सेक्टर 92 के अंदर राइजिंग होम DXP 2 की, जो 92 के अंदर अगर आपने सारे होम प्रॉपर्टी देखी है उसको टेक ओवर कर लिया है आपके एका ग्रुप और धूत ने, क्योंकि ये प्रोजेक्ट NCLT के अंदर चला गया था और यहाँ पे धूत और एका मिलके JV के तौर पे इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने Phase 3 को डिलीवर किया था जिसके अंदर फैमिलियाँ हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं, काफ़ी फैमिलियाँ वहाँ पे रह रही हैं। क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर जाने का बेनिफिट ये है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं लोडिंग की बात करूं तो 22% की लोडिंग आती है। अगर आप 2000 या 2100 स्क्वायर फीट का अगर आप कोई फ्लैट खरीदते हैं आज के जो नए लॉन्च प्रोजेक्ट हैं, तब जाके आपको इतना कारपेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लोडिंग बहुत कम है, आपको यूज स्पेस मिलेगा, बड़ी बड़ी बैल्कनी मिलेंगी। बहुत डिटेल से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले लोकेशन और न्यू गुड़गांव को, क्योंकि न्यू गुड़गांव एक उठता हुआ एरिया है। न्यू गुड़गांव के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 60 मीटर रोड का है। न्यू गुड़गांव के अंदर हर प्रकार का डेवलपर है, चाहे वो DLF हो, बेस्टेक हो, आसियाना हो, सिग्नेचर ग्लोबल हो, और भी बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो अपने प्रोडक्ट वहाँ पर बना रहे हैं। और वहाँ पर अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट वहाँ पे चला जाता है, और जिसके बाद आपको प्रॉपर्टी है वो छोटी मिलती है, छोटे टिकट साइज में मिलती है, और आपको जो कारपेट एरिया है वो छोटा मिलता है, और प्रॉपर्टी के अंदर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पास, आप रेंट पे रहते हैं तो आपके पास रेंट का भी बर्डन होता है और EMI का भी बर्डन होता है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए है जो लोग जल्दी अपने फ्लैट के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं नए साल के अंदर, तो फरवरी मार्च के अंदर इस प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है वो मिल जाएगी। एका ग्रुप और धूत ये JV है और इन्होंने NCLT के थ्रू ये प्रोजेक्ट को खरीदा है और उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। अगर मैं आसपास के लोकेशन की बात करूं, जैसे आसियाना ने अभी Phase 3, 4 अभी लॉन्च किया था, तो उससे तो बहुत बेटर प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि अगर मैं साइज़ की बात करूं और मैं बजट की बात करूं, ठीक है, मान लीजिए आपका बजट ही 1.5-2 करोड़ का है, तो उसके अंदर अब आप कहोगे कि ICNA के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, वो तो अदर डेवलपर बड़ा ब्रांड है। भाई ब्रांड का क्या करना है, प्रॉपर्टी अपने बजट में नहीं आ रही तो क्या करें। तो इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, दुनिया भर की फैमिली रह रही है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये 65 एकड़ के अंदर है, जिसकी अभी जो डेवलपमेंट है वो 48 एकड़ के अंदर है, जिसमें ऑलरेडी ये 3 फेज को डिलीवर कर चुके हैं, फैमिलियाँ शिफ्ट हो चुकी हैं, लो राइज और Phase 1, Phase 2 आया था, 3rd फेज इन्होंने लास्ट ईयर डिलीवर किया, Phase 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग चल रही है, और इसकी जो पोजीशन है अगले फरवरी मार्च में ये दे देंगे। आसपास की डेवलपमेंट DLF आसपास है और आपके आसियाना भी उसके बगल में ही है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, इसी के सामने JMS के आपके फ्लोट आते हैं, सिग्नेचर का अफोर्डेबल है, पीछे DLF गार्डन सिटी के फ्लोर लगते हैं, यानी आसपास की जो डेवलपमेंट है वो सारी की सारी लो राइज डेवलपमेंट है। अगर मैं 3 BHK के फ्लैट की बात करूँ और 4 BHK की बात करूँ, तो सारे के सारे आपके 2 साइड ओपन फ्लैट है, यानी जितने भी 4 BHK के फ्लैट हैं वो आपके 3-2 कोर अपार्टमेंट हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन है फ्लैट के अंदर। लोडिंग 22% के आसपास की लोडिंग आपको मिलती है, बड़ी बैल्कनी आपको मिलती है, 3 BHK का 6-2 कोर अपार्टमेंट है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं टावर की बात करूं, तो फेस जो 4th है जिसकी अभी बुकिंग चल रही है, वो जो फेस है उसमें टोटल 8 टावर है, जिसमें 2 टावर 3 BHK के हैं और 4 टावर हैं वो आपके 4 BHK के आते हैं। ये है प्रोजेक्ट की डिटेल। एमिनिटीज की बात कर लेते हैं। एमिनिटीज के अंदर आपको मिलता है तकरीबन 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, 4.5 एकड़ का आपको सेंट्रल ग्रीन, 2 बेसमेंट लेवल की ऑलरेडी रनिंग है, और आपको जो टावर की हाइट है वो 30 स्टोरी है, और टावर के ऊपर आपका
जो वो गार्डन है वो उसके अंदर डिजाइन किया जाएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा किस हिसाब से क्या चीज़ें बनने वाली हैं और किस हिसाब की हैं। उसके अंदर अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो टोटली वो सारी एमिनिटीज़ नए तरीके से नए फीचर के हिसाब से रेडी की जाएगी, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर प्रॉपर रनिंग है, सैंपल फ्लैट रेडी है, आप एक्चुअल फ्लैट देखेंगे, कोई अलग से सैंपल फ्लैट नहीं बना रखा। अभी कुछ डिस्काउंट डेवलपर ने अभी कस्टमर के लिए रखे हुए हैं जिसके अंदर फिनिशिंग का वाउचर आता है, एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है। तो तकरीबन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो 1.5 करोड़ से शुरू हो जाती है और 2.5 करोड़ तक की यहाँ पे 4 BHK का तक का 2,250 square feet तक का अपार्टमेंट आपको मिल जाता है, पूरे गुड़गांव के अंदर नहीं है। इसका एक बेनिफिट एक कैलकुलेशन में आपको समझाने वाला हूँ, वो कैलकुलेशन जरूर समझ लेना। एक बार मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो मेन एंट्री है वो 60 मीटर से है, ये फेस 5 आना है इसके अंदर, नए तरीके से फिनिशिंग होनी है। अभी इन्होंने जो डिलीवर किया था वो ये वाला जो पार्ट है फेस 3 ये किया था। लो राइज का जो कंसेप्ट है इनका प्रॉपर तरीके से फेस 1 फेस 2 के अंदर आ था। 60 मीटर डायरेक्ट आपका मानेसर चला जाता है, इसके पीछे 24 मीटर रोड है, 24 मीटर रोड से और 60 मीटर रोड से डायरेक्ट एंट्री है। इसके पीछे DLF की जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है, यानी जो गार्डन सिटी है वो आती है। ये जो फ्लोर है ये सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 और ये वाला जो फेस है इसमें सारी फैमिलियाँ रह रही हैं, लो राइज का है जिसमें स्ट्रीट प्लस 4 फ्लोर बने हुए हैं, ग्रीनरी इनकी ऑलरेडी एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे हाई राइज का कंसेप्ट है जिसके अंदर फेस 3 और फेस 4 है वो चल रहा है, यानी फेस 4 में बुकिंग हो रही है, कुछ यूनिट हैं और ये वाले टावर हैं इसमें भी फैमिलियाँ शिफ्ट हो चुकी हैं क्योंकि ये फेस 3 का पार्ट था। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको सिग्नेचर ग्लोबल GLS ये ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। इसके पीछे से जो 24 मीटर का रोड जो आ रहा है, ये वाला जो रोड है सिग्नेचर ग्लोबल से होता हुआ इसके पीछे से कनेक्टेड है, यही जो रोड है 60 मीटर रोड पे मिलेगा। ये सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के जो फ्लोर हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद आपका DLF गार्डन सिटी, DLF न्यू टाउन हाइट, आसपास की जो डेवलपमेंट है मोस्टली रेडी है, लोग रह रहे हैं, ये देख रहे हो ये सारे के सारे DLF गार्डन सिटी 92 की ये यहाँ पे ये साइट आ जाती है। उसके बाद ये जो रोड है ये 24 मीटर का रोड है इस प्रॉपर्टी के, और इसके इस साइड 17 एकड़ की इनकी न्यू डेवलपमेंट और आएगी। अगर मैं स्काई वॉक की बात करूँ तो यहाँ पे ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर से ना मैं इस छत के ऊपर गया हुआ हूँ, जो ड्रोन आपको उड़ता हुआ नज़र आ रहा है मैंने ड्रोन इसी छत के ऊपर खड़े होके इस ड्रोन से ये वीडियो शूट किया था। तो मैं प्रॉपर यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा वॉक किया था। तो प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर मनी है आपके हिसाब की है, इसके अंदर से रास्ता है पूरा ड्राइव वॉक आपका, स्काई वॉक आपका प्रॉपर रहने वाला है क्योंकि यहाँ से अरावली की पहाड़ियाँ दिखती है। अभी थोड़ा पोल्यूशन की वजह से ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है लेकिन दूर दूर तक खाली एरिया नज़र ज़रूर आता है, ठीक है। प्रॉपर्टी में स्पेस अच्छा है, बैल्कनी बहुत बड़ी है, तकरीबन 6 से 7 फीट की वाइड बैल्कनी है, रनिंग बैल्कनी है। वो कहते हैं कि 4 पाई लगाने के बाद भी इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, वो बच जाता है। तो ये जो टावर है ये सारे 4 BHK के टावर हैं। फेस 3 में ये टावर थे जिनमें फैमिलियाँ बहुत ज़्यादा रह रही हैं, इनके बीच में 4.5 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन एरिया है वो रेडी होगा और इसके ऊपर की एमिनिटीज हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे समझाने वाला हूँ। तो ये यहाँ पे क्लब हाउस है 35,000 square feet का, उसके बाद ओलंपिक स्विमिंग पूल आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा इस वाले एरिया में, बेसमेंट रेडी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन एरिया है रेडी होगा। आपके मन में एक डाउट ज़रूर आएगा कि भाई ये तो खाली है, पता नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे, उसका भी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि भाई जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है और उसको डेवलप होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अभी थोड़ी सी NGT की रोक आ गई है, इसलिए ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ये दिसंबर या जनवरी में जैसे ही NGT की वो हट जाएगी तो ये तुरंत काम है वो शुरू कर देंगे। ये सारी की सारी लो राइज की इनका जो कंसेप्ट है फेस 1 फेस 2 का, फैमिलियाँ प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हैं। ये फेस 5 के अंदर अभी ये EY स्टार्ट करेंगे, 60 मीटर रोड और GMS के लो राइज के बिल्डर फ्लोर। आइए अब थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें हैं वो और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों मैंने जो 4 BHK के जो टावर बताए थे मैंने बदला था कि आपको कि ऊपर स्काई वॉक आपको देखने को मिलेगा, तो ये स्काई वॉक का कुछ डिजाइन है जो आपको
छत के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा, टेरेस के ऊपर। डायरेक्ट जो आपकी लिफ्ट है ना वो टेरेस पे खुलती है। आज के दिन ये लिफ्ट एक्टिव है, आप जाके देख सकते हैं, विजिट का प्लान कर सकते हैं। तो मैं आपको साइट के ऊपर सारी चीज़ें समझा सकता हूँ। इधर वाले जैसे फ्लैट के ऊपर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो स्पेस है वो दिया जाता है, उसके बाद ये सारा ग्रीन एरिया है, ये ट्रैक है, इसके अंदर से प्रॉपर टावर के नीचे ही नीचे रहेगा। यहाँ पे सारे डेस्क आपके लिए बना रखे हैं। अब इनके अंदर क्या क्या है, जैसे इस एरिया के अंदर इस तरीके का आपको डेस्क है वो प्रॉपर प्रोवाइड होगा। आप आराम से ऊपर धूप लगा सकते हैं, सेक सकते हैं, ऊपर बैठ के धूप में काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ये वाला कंसेप्ट की बात करूं तो ओपन जिम आपको छत के ऊपर मिलती है। आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रैक भी दिया हुआ है, आप चाहो तो ऊपर जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जिससे आपका जो इन्वायरमेंट है थोड़ा सा अच्छा आपको हाइट के अंदर मिलेगा। अगर मैं इस वाले जो एरिया में बात करूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीटिंग एरिया है, जहाँ पे आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड वो कर सकते हैं। और अलग से एरिया आपको हर टावर के यहाँ पे मिल सकता है। इसमें एक बेनिफिट ये मिलता है, आप चाहे इस टावर में रहते हैं या इस टावर में रहते हैं, आपको जो परमिशन है वो पूरे टावर के साथ है कि आप किसी भी टावर के ऊपर जाके कोई भी एरिया है वो यूज कर सकते हैं। ये सब के लिए कॉमन एरिया रहेगा, बाकी किसी भी सोसाइटी के अंदर आपको इस तरीके का बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। ये सारे 4 BHK के लिए आउट है। कुछ इस तरीके का एरिया आपको नजर आएगा, ठीक है। योगा आप कर सकते हैं ऊपर बैठ के, प्रॉपर ग्रास का एक्चुअल देखो, ज़्यादातर लोग है ना ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो ग्रास है वो रेडीमेड टाइप की लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल ये ग्रास कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल ग्रास छत के ऊपर आपके लिए सीटिंग करेंगे। प्रॉपर एरिया आपको मिलता है, यहाँ पे बार टाइप का है, छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज छत पे करनी है, ओपन जिम का स्पेस आपको मिलता है, बाकी सीटिंग एरिया आपको मिलता है, क्लब हाउस का ये डिजाइन है, ये क्लब हाउस 35,000 square feet के अंदर ये यहाँ पे बनाया जाएगा। ओलंपिक साइड का आपको जो मैंने 4.5 acre का ग्रीन एरिया बताया था उसके अंदर आपको क्लब स्विमिंग पूल है वो देखने को मिलेगा। बैंकेट हॉल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिम का स्पेस, योगा स्पेस, और ये आपका जो ग्रीन एरिया है टावर के बीच में वो एरिया आपको प्रोवाइड किया जाता है। मेन एंट्रेंस इसका है ना, अभी आप जाओगे तो सारे होम्स लिखा मिलेगा, कुछ टाइम के बाद हो सकता है नेक्स्ट मंथ या करके राइजिंग होम करके यहाँ पे आ जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का नाम राइजिंग होम DXP2 करके है। तो ये नया गेट चेंज होगा, उस गेट को भी ये बदलने वाले हैं। आपको साइट लेआउट दिखा देता हूँ। जो फेस 4 है अभी ये वाले टावर हैं और 2 टावर 3 BHK के, ये 4 BHK के। फेस 3 ये डिलीवर्ड हो चुका है, ये वाला लो राइज और ये वाले जो टावर हैं ये फेस 1 के अंदर है। फेस 5 आगे ये लॉन्च करेंगे। टोटल 48 acre की ये टाउनशिप प्रोडक्ट है जो डिलीवर्ड होने वाला है जल्द, और 17 acre की ये अलग से लेके आएंगे, और 60 meter road से प्लस 24 meter road से इसकी एंट्री होती है। दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रॉपर तरीके से, जो चीज़ आप सुनना चाहते थे वो, कि प्राइस लिस्ट और पेमेंट प्लान क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप जो ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे ये रीसेल में नहीं खरीदेंगे, ये डायरेक्ट डेवलपर से आपको मिलेगी, प्रॉपर तरीके से BBA बनेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसमें जो साइज है ये इतने साइज हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 तरीके के साइज हैं। तो इसमें 5 तरीके के साइज हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये जो 2 साइज हैं ये है 3 BHK के, और ये वाले जो साइज हैं ये आपके 4 BHK के, यानी 3 साइज है वो 4 BHK के, 2 साइज है वो 3 BHK। रेट की बात करते हैं, 2326 square feet, ठीक है, 3 BHK 2T आपको 148 के आसपास की कॉस्टिंग मिलती है। 1523 3 BHK 3 toilet 169 के आसपास, 2000 square feet का 4 BHK 3 toilet के पास 221 का आपको पड़ता है, 2093 square feet 3.5 BHK प्लस आपका 3 toilet 227 का, फिर है लास्ट है 2226 square feet 3 BHK प्लस 3 toilet 4.5 BHK प्लस 3 toilet आपको पड़ता है 240 का, ठीक है। अब इसके अंदर 5 lakh का आपका एनुअल डिस्काउंट है लिमिटेड टाइप के लिए, और इसमें एक वाउचर है जो आपको
मिलता है फर्निशिंग, अगर आप फर्निशिंग करवाना चाहते हैं, एसी वगैरह ये सारी चीज़ें करवाना चाहते हैं तो उसका भी है। यानी मोटा मोटा 5 से 7 लाख रुपए का आप टोटल डिस्काउंट मानो तो इसमें 5-7 लाख रुपए और कम कर दो। अब सबसे बड़ी बात ये इसमें क्या आती है, वो आती है पेमेंट प्लान की, ठीक है। पेमेंट प्लान 70-30 है। इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास अभी जो पैसा है वो बहुत कम है, ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, 10% का बुकिंग अमाउंट आपने देना है, ठीक है। उसके बाद आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद बची आपकी जो पेमेंट है, यानी हमने कितनी करनी है 70% और 30, ये पेमेंट प्लान है। अब अपनी बच गई 60% की पेमेंट, ठीक है। ये जो 60% की आप जो पेमेंट करेंगे ये आप करो बाई लोन आपका हो जाएगा, और ये होगा HDFC और IDBI बैंक से, ठीक है। आप इनसे प्रॉपर तरीके से लोन करवा सकते हैं। बाकी की जो पेमेंट है 30% ऑफ ऑन पोजीशन के ऊपर आप करोगे। इसके अंदर जो आपने ये रेट देखे ना, ये ऑल इंक्लूसिव रेट हैं। इसमें एक्स्ट्रा है तो पोजीशन चार्ज आपका आ जाएगा, और प्लस जो आपकी रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है जैसे 5%, 6%, 7% वो आएगा। बाकी सब कुछ इसके अंदर ऐड है, कार पार्किंग, GST, VST टोटली चीज़ें इसके अंदर ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल रेट है, आप निकाल के देख लो कि क्या आपको इतने साइज की चीज़ें मिलेंगी, और कारपेट एरिया प्रॉपर तरीके हैं। जब आप विजिट करने आएंगे तो आपको प्रॉपर लेआउट वगैरह है प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा, चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें मिस है, आपको समझाने लगा तो नहीं समझ पाओगे। तो आपने लोकेशन देखी, रेट देख लिया, सारी चीज़ें देख ली। अब मान लीजिए आप रहते हैं रेंट के ऊपर और आप एक अपना खुद का मकान है वो जोड़ना चाहते हैं, और आपका बजट 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये 3 प्रॉपर्टी आपके साथ हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं। 3 BHK भी आ जाएगा और 4 BHK भी आ जाएगा इस बजट में, क्योंकि आपका रेंट भी बचेगा, रेंट की सेविंग भी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी जल्दी मिलने वाली है। आपने 10% सेल्फ किया, ठीक है, उसके बाद आपने 60% का ले लिया लोन, ठीक है। इसमें आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, भाई आप लोन की भी EMI भर रहे हैं और साथ के साथ आप रेंट पे भी रह रहे हैं, तो आप जल्दी अपने मकान में शिफ्ट हो सकते हैं। उसके बाद 30% का जो है कुछ पार्ट अगर आपके पास आता है सेल्फ फंडिंग का, यानी 20% के आसपास और दे दो, तो उसमें भी आपका 10% के आसपास का लोन है वो हो जाएगा। यानी 20% तक आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हैं, 80% तक, 85% तक आपका बैंक लोन है वो हो जाएगा। तो जल्दी से आप अपना जो विजिट का टाइम है वो शेड्यूल कीजिए। मैं कहता हूँ देखनी चाहिए प्रॉपर्टी, देखो, कॉल करो और अपना जो टाइमिंग है वो सेट करो। हमारी टीम आपको साइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से चीज़ें गाइड करेगी, चीज़ें दिखाएंगी, आपके साथ हर चीज़ को शेयर किया जाएगा, बेस्ट डील आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और क्या चाहिए दोस्तों, इतना सस्ता फ्लैट आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं जो हम मीटिंग के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और सैंपल फ्लैट जरूर देखने आना।